हैप्पी नवरात्रि फ्रेंड्स। अभी हम जा रहे हैं पूजा के लिए, इसी के लिए मैं तैयार हो रही हूँ। आज अष्टमी की पूजा हम करेंगे। हम हमेशा हर साल अष्टमी की पूजा करते हैं और नवमी में भी जाते हैं हम पूजा करने। तो मैं तैयार हो जाती हूँ जल्दी से, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और थोड़ी ही देर में हम निकलेंगे और जाएंगे मंडप जहाँ दुर्गा माता की मूर्तियाँ स्थापित है, और वहाँ हम जाकर पूजा करेंगे अष्टमी पूजा। और उसके बाद जब हम घर आएंगे तो फिर हम रात में जाएंगे घूमने। अगर आज मन किया तो जाएंगे, नहीं तो फिर कल नवमी के दिन हम घूमने जाएंगे। तो फ्रेंड कैसी मैं लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम अब निकलेंगे क्योंकि पूजा का भी समय हो गया है। तो हम आ चुके हैं माता रानी के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने, उनकी पूजा करने। तो कौन कौन अष्टमी में पूजा करता है कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। यहाँ हर साल अष्टमी की पूजा करते हैं और नवमी की पूजा दूसरे जगह पे होती है। तो यहाँ हम अष्टमी की पूजा करेंगे, उसके बाद हम घर जाएंगे। तो पूजा के पहले हम एक दूसरे के मांग में नाक से सिंदूर लगाते हैं। वे मेरी सासू माँ हैं तो इन्होंने मुझे पहले लगा दिया, अब मैं इन्हें लगा रही हूँ। उसके बाद पूजा शुरू होगी। पंडित जी भी बैठ चुके हैं और पूजा भी शुरू हो गई है। पूजा करने के बाद बहुत से लोगों से मिलना जुलना हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, बच्चों को पढ़ाने की वजह से मैं बाहर रहती हूँ, आप लोग को पता ही होगा। तो बहुत ही अच्छा लगा सबसे मिलकर और माता रानी के दर्शन करके, तो और भी मन खुश हो गया। यहाँ की मूर्ति देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत। और पूजा भी यहाँ बहुत ही विधि विधान से कराई जाती है। तो बहुत ही अच्छा लगा, पूजा कर कर मन खुश हो गया। पूजा करके फिर हम वापस घर जाएंगे और फिर मिलेंगे बाकी लोगों से। बहुत से लोग आए हुए हैं। नारियल बहुत ही ज़्यादा यहाँ भीड़ थी, जिस कारण वीडियो भी सही से नहीं बन पाया क्योंकि पीछे भी लोग बैठे हुए थे तो जल्द नहीं था। करके देना है कि रखना है? रखना खाली नारियल तो हमारी पूजा संपन्न हो गई और अब हम आरती कर रहे हैं। आरती करने के बाद हम माता रानी का आशीर्वाद लेंगे, पंडित जी का आशीर्वाद लेंगे और फिर उसके बाद हम घर जाएंगे। तो यहाँ बहुत से लोग आए हुए हैं और अभी और भी लोगों का आना जाना लगा हुआ है पूजा करने के लिए। लास्टिंग में ना फेंक रहा गिलास। चलो तो अब हम बाहर निकल चुके हैं और यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए हैं, उनका आशीर्वाद लेंगे, दक्षिणा देंगे और उसके बाद हम घर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अभी भी और लोग आ रहे हैं क्योंकि यहाँ सुबह से ही पूजा हो रही है, 10 बजे से ही पूजा स्टार्ट है। तो हम थोड़ा लेट से आए क्योंकि बच्चों के लिए नाश्ता खाना सब बनाकर तब हम आए थे कि बच्चे टाइम से खा सके, और हम लोग का तो आज फास्टिंग है, तो इसलिए मैं सोची कि सारा काम करके ही जाऊँ। आप लोग के तरफ कैसे पूजा करते हैं अष्टमी पूजा और नवमी पूजा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप क्या क्या करते हो, क्या क्या चढ़ाते हो, कैसे दशहरा मनाते हो, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब हम वापस घर जा रहे हैं। घर जाकर थोड़ी देर आराम करूँगी क्योंकि बहुत जोरों की सर्दी हो गई है। आने के टाइम में बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जिस कारण सर्दी हो गई। तो आराम करूँगी तो शायद कुछ ठीक लगेगा।
तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ घर पहुँचने के बाद। तो फ्रेंड्स, पूजा करके हम आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और अष्टमी की पूजा हम करते हैं नवरात्रा में, वहाँ पे अष्टमी की पूजा होती है, उसके बाद नवमी की पूजा होती है। तो अब मैं जा रही हूँ, कपड़े चेंज करूँगी क्योंकि पूजा वगैरह बहुत ही अच्छे से हो गया और जब नवमी चढ़ेगी तब हम जलपान वगैरह करेंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ, जल्दी से फ्रेश हो जाती हूँ कपड़े वगैरह चेंज करके और थोड़ा आराम करूँगी क्योंकि तबीयत भी खराब हो गई है, बहुत जोड़ों की सर्दी हो गई है, बहुत ज़्यादा ही छींक आ रही थी, लेकिन पूजा मैंने अच्छे से कर लिया। तो आप लोग नवरात्रि कैसे मनाते हैं और आप लोग अष्टमी पूजा करते हैं या नवमी की पूजा करते हैं ये ज़रूर बताइएगा। और निर्जला फास्टिंग रखते हैं या फिर खा लेते हैं? तो हम जब नवमी चढ़ता है तभी जल वगैरह कुछ भी खाते पीते हैं, फल वगैरह खाते हैं, चाय दूध शरबत पानी यही सब पीते हैं। और अभी अष्टमी है, 5 बजे के बाद हम जलपान वगैरह करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट तो ज़रूर करना। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि।